Hey everyone, this is me, Anjum Editor. कैसे हैं आप सब? होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे. सो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही काम का वीडियो लेकर. जैसे कि आप सबको पता है कि अभी अभी दिवाली गई है और दिवाली के दौरान, दिवाली से पहले मैंने जब सफाइयाँ की हैं तो उस टाइम पे घर को, किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की थी. अमेजोन से, मिंत्रा से थोड़ी की थी, अमेजोन एंड मीशो से मैंने बहुत ज़्यादा आइटम्स मंगाए थे. सो मीशो के साथ मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा. मैंने जो भी सामान ऑर्डर किया, एक दो जो भी सामान ऑर्डर किए थे वो कुछ खास अच्छे नहीं आए, तो मैं थोड़ा सा सेटबैक हो गई थी. बट अब जब मैंने दिवाली के दौरान जब मैंने ऑर्डर किए हैं और मुझको जो सामान रिसीव हुआ है उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, तो ये पार्सल ओपनिंग वीडियो नहीं है, ये प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो है. सारे प्रोडक्ट जो भी आज मैं मेंशन करूंगी वो सभी मेरे यूज किए हुए, मैंने अपनी किचन में मैं यूज कर रही हूँ, अपने घर में मैं यूज कर रही हूँ और मैं उनके लिए वाउच कर सकती हूँ. सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. आज की वीडियो में रहने वाले हैं 10 और 11 प्रोडक्ट आई विल शेयर. की वीडियो की सबसे खास बात यह है कि आज का वीडियो में जो भी प्रोडक्ट है वो बहुत ही बजट फ्रेंडली है. आज हमारे प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट होंगे 107 रुपए से एंड मैक्सिमम जो हाइएस्ट प्राइस है वो है 349, 350 रुपए. सो इसके बीच में ही सारे प्रोडक्ट रहने वाले हैं. सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कम प्राइस होने के बाद भी सारे प्रोडक्ट बहुत, मैंने बहुत सोच समझ के सारे ऑर्डर जो है वो प्लेस किए थे और सारा सामान बहुत काम का है. तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप आज पहली बार मेरे वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आज का फर्स्ट प्रोडक्ट है ये कंटेनर्स. सो ये बाय वन गेट वन आया था. एक मैंने ऑलरेडी खोल लिया है, अपने किचन में रख दिया है. दूसरा ये एम्प्टी है, ये मैं आपको दिखाती हूँ. इसमें लॉकिंग सिस्टम जो है प्रॉपर है, अच्छे से बंद होता है और अंदर इसमें 4-in-1 है, तो अंदर इसमें 4 कंपार्टमेंट है और चारों के साथ एक एक स्पून आई है. सो इसमें आप अपने स्पाइसेस रख सकते हैं, आप इसमें अपनी कटी हुई जो वेजिटेबल्स है वो रख सकते हैं और मतलब आप अपने किचन में इसको मल्टीपल तरह से यूज कर सकते हैं. तो अभी मैं इसमें किचन वाला वीडियो भी ऐड कर दूंगी ताकि आप देख पाएं कि मैं इसको किस तरह से यूज कर सकती हूँ और आप अपना दिमाग लगाएं कि आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, कहाँ पर यूज कर सकते हैं. सो मुझको ये बहुत ही यूजफुल लगा एंड बाय वन गेट वन है. प्राइस इसका है ओनली 227 फॉर 2 बॉक्सेस, 1+1. सो गुड बाय. सो इसको मैंने बना दिया था अपने खड़े मसालों का बॉक्स, जिसमें कि मैंने तड़के वाली सारी चीजें रखी हुई थी, जिसमें था मेरा जीरा, मेथी, सरसों, धनिया, करी लीव्स और सौंफ. सो कंपार्टमेंट इसके काफी बड़े बड़े थे तो मैंने इसमें छोटे छोटे बॉक्सेस रख के और ज्यादा मसाले डाल दिए थे. क्योंकि इसका लॉकिंग सिस्टम भी अच्छा था तो ये एयरटाइट था और इसके अंदर मसालों की फ्रेग्रेंस भी नहीं जाएगी और वो फ्रेश भी रहेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट. तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो अभी पैकेट में ही है, मैंने इसको यूज नहीं किया है बट मैंने अच्छे से देख लिया है कि ये बहुत ही गुड क्वालिटी के हैं और ये है आपके 12 पैकेट्स ऑफ जिपलॉक स्टोरेज पाउचेस. तो इसमें 12 है और 4-4 का सेट है, 4 बिगर वन और 4 है आपके मीडियम साइज एंड 4 है आपके स्मॉल साइज. सो इनका प्राइस था पैक ऑफ 12, ये आए हैं 200 रुपीज में. सो वेरी गुड प्राइस अगेन. की अच्छी बात ये है कि ये जिपलॉक होने की वजह से आप इसके अंदर जो भी रखेंगे वो बिल्कुल मतलब एयर टाइट रहेगा और खराब नहीं होगा. मेरा इनको बाय करने का पर्पस कुछ और है. इनको मैंने इनको लिया है नैनीताल के लिए, क्योंकि हम जब वहां पर जाते हैं, अपने कॉटेज में जाते हैं, तो किचन जो है उसका सामान हमको ही लाना होता है. तो मैंने सोचा कि मैं ये जिप लॉक जो है ये ले लेती हूँ, ये स्पेस भी कम लेंगे और अच्छे से मैनेज रहेगा. इसमें मैं दालें, मसाले ये सब लेकर जा सकती हूँ बट इनको किचन में अदरवाइज भी हम यूज कर सकते हैं. आप इनमें ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, आप इनमें दालें रख सकते हैं, जो आपकी बची हुई दालें रहती है वो आप इसमें रख सकते हैं और जिपलॉक होने की वजह से कुछ भी इसके अंदर जो रखा है आपने वो खराब नहीं होगा एंड स्पेस कम लेंगे. सबसे बड़ी बात कि स्पेस कम लेंगे क्योंकि ये जिपलॉक है, जितना आपका सामान होगा उतना सामान और उसके बाद आप इसको जिप कर देंगे तो आपका जगह भी नहीं घेरेगा. तो मेरी तरफ से इसको बिल्कुल थम्स अप है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, हाथ में लेकर ही पता चल जाता है. सो गुड बाय. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड प्रोडक्ट. तो ये जो प्रोडक्ट है ये है हमारे आज की वीडियो का सबसे लोएस्ट प्राइस का आइटम. तो ये है एक रोस्टिंग जाली जिसको कि आप गैस के ऊपर यूज कर सकते हैं और इसका प्राइस मैं पहले बता देती हूँ. इसका प्राइस है 107 रुपीज, 107 रुपए.
सो काफी चीप है, बट चीप प्राइस है, क्वालिटी नहीं, क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है। आप इसके ऊपर जिनको रोटी जो है बनाने में गैस पर फायर में पलटने में दिक्कत होती है वो इनको यूज कर सकते हैं, उसमें तो हम परफेक्ट हो चुके हैं। मेरा इसको लेने का मोटिव ये था कि जैसे हम कभी बैंगन का भरता बनाते हैं या टमाटर वगैरह हम रोस्ट करते हैं, तो उनको अगर हम गैस पर रखते हैं तो आधी गैस जो है ब्लॉक हो जाती है उसकी वजह से, तो अगर हम इसके ऊपर रखते हैं तो इसको मैंने यूज भी कर रखा है, आप देखेंगे बीच में से पूरा ब्लैक हो गया है। तो इसमें आप जैसे मैं अगर बैंगन का भरता बना रही हूँ सपोज, तो मैंने इसमें मैं बैंगन भी रख सकती हूँ, टमाटो भी रख सकती हूँ और साथ में मैं गार्लिक का एक पूरा क्लोव भी रख देती हूँ, जिंजर गार्लिक, हाँ गार्लिक। सो मैं इसमें गार्लिक भी रख देती हूँ और ये साथ साथ थोड़ा थोड़ा अलटते पलटते रहते हैं, साथ साथ तीनों चीजें जो है वो रोस्ट हो जाती हैं, जबकि अगर हम विदाउट इसके करते हैं तो एक बार में एक ही चीज हम रोस्ट कर सकते हैं। सो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल और काम की चीज लगी मुझे और प्राइस भी इसका बिल्कुल ही नॉमिनल है, सो वेरी गुड बाय। सो आज के मोस्टली सभी आइटम जो है वो किचन रिलेटेड है, तो मैंने सोचा कि कैमरा में किचन में ही ले आती हूँ, मेरे लिए भी कन्वीनियंट रहेगा आपको सब चीजें दिखाना। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो बहुत काम की चीज तो नहीं है, बहुत क्यूट चीज है और इसकी क्यूटनेस की वजह से ही मैंने इसको लिया है, एंड दिस इज अ फ्रिज मैग्नेट जिसमें दो ग्लास चाय और पार्ले जी बिस्किट है, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट स्नैक है, आप से बहुत से लोगों का होगा। तो ये इतना क्यूट था कि मैं इसको लिए बिना, मतलब देखकर मुझसे इग्नोर नहीं किया गया और मैंने सोचा कि देखें कैसा आता है, और ये इतना प्यारा और क्वालिटी इतनी अच्छी आई है इसकी, और इसको देख के ही मुझे बहुत अच्छी अच्छी वाली फीलिंग आती है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट ये था हमारा, एंड इसका प्राइस है 196 रुपीज, सो बहुत ज्यादा कुछ प्राइस नहीं है, 196 रुपीज है। मैग्नेट्स, फ्रिज की मैग्नेट्स वैसे ही इसी रेंज में आती हैं, इससे ज्यादा की ही आती हैं, और बट इसे एक थोड़ा सा मेरा नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है, नॉस्टैल्जिया क्या, मैं अब भी खाती हूँ तो इसलिए मैंने इसको चूज किया है। तो अगर आप भी चाय और पार्ले जी की शौकीन है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आइटम है वो दो आइटम मैं आपको एक साथ ही दिखा देती हूँ, बता देती हूँ। फर्स्ट आइटम है जो वॉल एडहेसिव जो नेल्स होती हैं, अभी मैं दिखाती हूँ आपको वो नेल्स, उनको यूज करके, ये मैं पहले ही आपको दिखा चुकी हूँ, ये मैंने अमेजोन से लिए हैं, बट नेल्स जो हैं वो मैंने मीशो से मंगाई हैं। सो ये वॉल पर चिपक जाती हैं और काफी हैवी ड्यूटी है, बिल्कुल हटती नहीं है, आप देखेंगे मैंने दो डिस्पेंसर यहाँ पे लगा रखे और दोनों फुल है। सो इसमें मैंने अपना हैंड वॉश रखा हुआ है और इसमें डिश वॉश रखा हुआ है, तो कलर मैंने डिफरेंट लगाए हैं ताकि मैं भी कंफ्यूज ना हूं, और मैंने मीना को भी बता दिया है कि वो भी कंफ्यूज ना आए। एंड सेकंड प्रोडक्ट है ये सोप रखने वाला हैंडल, क्या बोलूंगी मैं इसको, सोप डिस्पेंसर, नहीं डिस्पेंसर नहीं, सोप स्टैंड, यस सोप स्टैंड। सो ये मतलब सिंगल नहीं आ रहा था तो ये दो का पैक था, तो मैंने दो मंगाए हैं, एक मैंने अपने बाथरूम में लगा दिया है उसमें मैंने सोप रख दिया है, दूसरा मैंने यहाँ पर लगा दिया है ताकि जो भी हमारे बर्तन धोने वाले ये स्पंजेस हैं और स्कॉच ब्राइट वगैरह हैं ये बिखरे ना रहें, इधर उधर ना पड़े रहें, तो अब यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से मैनेज रहते हैं। ये ऊपर वाले में उसने अपना डिश वॉश रखा हुआ है, नीचे वाले में स्क्रबर है, सो अच्छे से मैनेज रहता है यहाँ पर, और अब यहाँ पर सिंक के आसपास कुछ भी मतलब बिखरा हुआ नहीं है, सब कुछ बिल्कुल क्लीन और साफ सुथरा लगता है इनकी वजह से। नेल्स में आपको दिखा देती हूँ, जो वॉल माउंटेड नेल्स हैं तो ये नेल इस तरह की होती है, इसके आगे इस तरह से स्क्रू है, आप इसको घुमा के आप इसको ओपन कर सकते हैं, पीछे इसके एक स्टिक ऑन है उसको आप हटाएंगे और वॉल पे स्टिक कीजिए अच्छे से, और उसके बाद ये आपका नेल का काम करता है, आप जो भी आपको इस पे लगाना है वो आप इसमें अच्छे से लगा सकते हैं, आप इसमें फोटो फ्रेम वगैरह भी टांग सकते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है ये, और काफी हैवी ड्यूटी है मैं बोलूंगी कि मैंने, क्योंकि मैं पहले भी मैंने मंगाए थे और बाथरूम में जो मेरे सोप डिस्पेंसर है वो मैं इन्हीं में मैंने टक किए हुए हैं, तो काफी मुझको पसंद आए, और एक्चुअली मैंने इतने साल ये सोच कर काट दिए कि किचन में टाइल्स जो है उन पर मैं नेल कैसे लगाऊं, कहीं टाइल जो है वो ब्रेक ना हो जाए, तो इस डर से मैं बाथरूम में या किचन में कुछ करती नहीं थी, बट जैसे ही मुझे पता चला कि इस तरह की नेल्स भी आती हैं तो काम बहुत ज्यादा सॉर्टेड हो गया, अब जहां मेरा जो मन किया वो मैंने लगा दिया है जितना मुझको रिक्वायरमेंट थी। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने मीशो से ऑर्डर किया है वो है ये लॉन्ग स्पून्स, मेरे पास पहले से भी ऑलरेडी थी, इनको आप डेजर्ट स्पून भी बोल सकते हैं, बट मैंने जो इनका यूज निकाला है
आपके जो भी लंबे जार हैं, ये आए थे सेट ऑफ फाइव। सो जो भी आपके लंबे जार हैं अचार के, घी के, आप उनमें ये स्पून्स जो हैं यूज़ कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा बड़े होने की वजह से, जो मेरे छोटे वाले स्पून्स हैं वो कई बार अगर घी है तो उसमें डूब जाती है, अचार होता है तो उसमें डूब जाती है, तो उनमें आप ये जो लॉन्ग वाली स्पून्स हैं ये यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी है, काफ़ी यूज़फुल है, और डेजर्ट के लिए तो ऑब्वियसली आप यूज़ कर ही सकते हैं। आप कुछ भी शेक वगैरह बनाया है, आइसक्रीम वाला आपने कुछ भी बनाया है, तो उसके साथ आप इनको यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटी 10/10 बहुत अच्छी है, और मैंने इनको मंगाया था दिवाली से 1.5 महीना पहले, और मैं इनको तब से यूज़ कर रही हूँ, और देखने से ही पता चल रहा है कि क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी। सो ऑफ कोर्स अ गुड बाय। एंड इसका प्राइस, एंड इन स्पून्स का प्राइस भी बहुत नॉमिनल है, 5 स्पून्स आई है 129 रुपीज में। सो ऑब्वियसली अ वेरी गुड बाय एंड वेरी गुड क्वालिटी ऑल्सो, थम्स अप। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसको बाय करके मैं खुद ही बहुत ज़्यादा खुश हो गई। एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी आई, और दूसरा उनका जो यूज़ है वो इतना मतलब परफेक्ट हो गया कि अब मेरा किचन का जो स्पाइसेस का सेक्शन है वो ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। मैं दिखाती हूँ आपको। सो ये मैंने ऑर्डर किए हैं सेट ऑफ 12 स्पाइस जार्स। तो ये ग्लास के स्पाइस जार हैं, और सब में मैंने लेबल लगा दिए हैं। लेबल मैंने अमेज़ॉन से लिए हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो सब में मैंने लेबलिंग कर ली है, और सारे मेरे स्पाइसेस जो है अब एक ही जगह है। तो ये 12 से ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने एक और आइटम लिया था जो मैं नेक्स्ट आइटम अभी आपको बताऊंगी, तो उसके साथ भी 4 ये वाले जो है स्पाइस के जार आए थे, तो इसलिए मेरे पास ये हो गए हैं 16। तो अब मेरा कोई भी स्पाइस ऐसा नहीं है जो इधर उधर कहीं रखा है। और सो इसमें मैंने सारे मसाले रख दिए हैं। पाव भाजी मसाला है, ब्लैक पेपर है, रॉक सॉल्ट है, एंड किचन किंग, जो भी मेरे पास मसाले थे सब मैंने इसमें रख दिया, मुझे कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये अपना है ही लेजी सुजन, इसके ऊपर सारे मसाले हैं मेरे, और मैं मुझे कहीं इधर उधर नहीं देखना, जो भी मुझे चाहिए सब मुझे एक ही जगह पर मिल जाता है। सो वेरी गुड बाय। ये जो स्पाइसेस के जार हैं जो मैंने आपको अभी दिखाए, ये हमारी आज की वीडियो के सबसे हाईएस्ट प्राइस का आइटम है। इसका प्राइस था 349 रुपीज। सो बट 349 में बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि 12 का सेट है, 12 आपको जार्स मिल रहे हैं, और इनकी पैकिंग इतनी अच्छी आई थी, ट्रस्ट मी, पूरा अच्छे से फोम वाला जो रैप होता है वो रैप होके आया था ईच एंड एवरी बॉटल। तो एक भी इसमें कुछ टूटी नहीं है, कहीं से भी कुछ प्लास्टिक मतलब टूटा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बहुत ही अच्छी इसकी पैकिंग आई थी, और बहुत ही गुड क्वालिटी है इनकी। सो बिल्कुल मेरी तरफ से थम्स अप है एंड मस्ट बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये ऑयल के डिस्पेंसर्स। सो ये ग्लास के हैं अगेन, और ऊपर इस तरह की नॉजल इनमें दी हुई है, इनमें ही मैंने स्टिकर लगा दी। स्टिकर लगाने से थोड़ा सा मुझे और गुड फीलिंग आ रही है, ऑर्गेनाइज लग रहा है। सो दो तरह का ऑयल मैं यूज करती हूँ, एक मस्टर्ड ऑयल है, और सच में ही हमारे यहाँ पे येलो मस्टर्ड ऑयल आता है, सो मस्टर्ड ऑयल है, एंड ये रिफाइंड ऑयल है, थोड़ा सा फ्राई। सुताने आई थी तो उसको थोड़ा फ्राई वाली चीजें पसंद है, तो उसके लिए मैं एक छोटा वाला डब्बा जो है वो रिफाइंड ऑयल का, सफोला का ले आई थी। तो ये इसमें वो ऑयल है, एंड ये मस्टर्ड ऑयल है, और इसी के साथ सो इसमें मुझे मिल गई थी 2 ये वाली बॉटल, और 4 ऐसी बॉटल्स मिल गई थी स्पाइस वाली, और साथ में 2 स्पैटुला थे, एक स्पैटुला और एक ब्रश था मतलब, और एक था फनल। मैं आपको फनल भी दिखाती हूँ, वो भी बहुत काम की चीज है। सो ये इसके साथ स्पैटुला आए हैं, एक स्पैटुला है और एक ब्रश है और एक है फनल। फनल भी बहुत ज़्यादा मुझे काम की चीज़ लगा, मैंने छोटे वाले जार्स में स्पाइसेस इसी से डाली हैं, और ऑयल के डिस्पेंसर में ऑयल मैंने इसी से डाला है, तो ये भी एक काम की चीज़ आ गई है। एंड इनका प्राइस मैं आपको बताती हूँ, तो अल्टीमेटली मुझे मिली थी 2 ऑयल के डिस्पेंसर्स, 4 मुझे मिले थे स्पाइस के जार्स, एक स्पैटुला, एक ब्रश और एक फनल। तो ये सारी चीज़ें मुझको मिल गई थी, और ये पूरा पैक मुझको मिला है 203 रुपये में, 203 रुपीज। तो प्राइस काफ़ी अच्छा है, और आज के वीडियो का हर आइटम मैं कोशिश कर रही हूँ कि जब मैं बोल रही हूँ किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ, तो उसके साथ साथ मैं उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर अटैच कर दूँ, क्योंकि लिंक शेयर करना मुझको नहीं आ रहा भी मीशो से, पता नहीं कहाँ पे मैं अटक रही हूँ। आई विल ट्राई, अगर मैं लिंक शेयर कर सकी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ज़रूर शेयर करूँगी, अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिले तो मैं जो पिक यहाँ पर अटैच कर रही हूँ उसमें जो डिस्क्रिप्शन है, आप उससे अगर मीशो में जाके सर्च करेंगे तो वो आपको जो भी आप पर्टिकुलर आइटम है वो आपको वहाँ पर दिखाई दे जाएगा।
लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट. तो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है डिस्पेंसर. उसमें लिखा तो था कि ऑयल एंड सॉल्ट का, बट मैं उसको यूज कर रही हूँ ऑयल एंड हनी के लिए, क्योंकि एक में ब्रश आया है और एक में स्पून आई है. तो स्पून वाला मैंने हनी के लिए रखा है और ब्रश वाला मैंने ऑयल के लिए रखा है. मैं दिखाती हूँ आपको. सो बहुत ही क्यूट से दोनों डिस्पेंसर है. एक में मैंने ऑयल रखा हुआ है ग्रीसिंग करने के लिए, जिसके अंदर ब्रश है, और दूसरे वाले में मैंने रखा है हनी, क्योंकि उसमें नीचे स्पून है. तो ये दोनों चीजें मेरी अच्छे से सॉर्ट हो गई है यहाँ पर. एंड ये जो दो डिस्पेंसर है इनका प्राइस है 224 रुपए. सो अगेन बहुत अच्छा प्राइस है और बहुत काम की चीज है. और क्योंकि इसमें ऊपर एक सिलिकॉन का रिंग दिया गया है, उसकी वजह से ये एयरटाइट भी हो जाता है. तो मुझको तो बहुत काम की चीज लगी और बहुत हैंडी भी है किचन में. सो मेरी तरफ से इसको भी थम्स अप. सो नेक्स्ट आइटम है ये दो वॉल माउंटेड शेल्फ, जिनको कि मैंने अगेन जो आपको मैंने नेल्स दिखाई थी वॉल एडहेसिव वाली, तो ये वॉल एडहेसिव की नेल है और उसके ऊपर तो इन दो नेल्स के सहारे, एक इधर है एक इधर है, उनके सहारे ये जो है वो रैक है ये अच्छे से टिका हुआ है. और आप देख सकते हैं बहुत काफी सामान रखा है इसके ऊपर, तो काफी वेट भी है, बट फिर भी कुछ असर नहीं है. मतलब जो इसका एडहेसिव है वो कहीं से भी उखड़ा नहीं है, हटा नहीं है. और ये सेटअप 2 आया था अगेन, तो ये क्योंकि मेरा बाथरूम में ही सबसे अच्छी लाइट है, तो यहाँ पर मेरा मेकअप वाला सेक्शन जो है वो अच्छे से सॉर्ट हो जाता है. सो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रोडक्ट की तरफ. और आज का लास्ट प्रोडक्ट है किचन कंटेनर्स. मैंने मंगाया था सेट ऑफ 12, मतलब 6 का मंगाया था मैंने. 6 मैंने मंगाए थे 600 ml वाले और 6 मैंने मंगाए थे 1200 ml वाले. तो मुझे 600 ml वाले तो डिलीवर हो गए, बट जो दूसरा वाला था बड़े वाले वो मुझको रिसीव नहीं हुए. तो वहां पे थोड़ा सा मुझे वो मीशो वाला डाउट आ गया था, क्योंकि डिलीवर नहीं हुए और उन्होंने शो कर दिया डिलीवर. बट मैं बोलूंगी कि इनकी कस्टमर केयर की सर्विस बहुत ही अच्छी है. मैंने कॉल किया और मैंने उनको बताया कि मैंने दो सेट डिफरेंट मैंने ऑर्डर किए थे, क्योंकि उनका कलर सेम था, इस वजह से कुछ गड़बड़ हुई है क्या. सो मैंने बोला कि एक मुझको डिलीवर हो गया है, दूसरा नहीं हुआ है और ये प्रीपेड था. तो मीशो में कुछ ऐसा होता है कि अगर आप प्रीपेड करते हैं तो आपको 20-30% का और डिस्काउंट मिल जाता है. तो मैंने इस चक्कर में उसको प्रीपेड कर दिया था. सो एक सेट मुझको डिलीवर हो गया, एक नहीं हुआ, बट कस्टमर केयर पर बात करने पर वो भी बिल्कुल सॉर्ट हो गया. विद इन 2 hours मेरे अकाउंट में पैसे वापस आ गए थे, तो दूसरा सेट था उसके. अब मैंने फिर से वो ऑर्डर किया है, सो लेट्स कब तक आता है वो. तो एक सेट आ गया है और मैंने अपने किचन में लगा दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ. सो ये है मेरे स्क्वायर कंटेनर्स. मैंने मंगाए थे आइस ब्लू कलर में, क्योंकि मुझे ये कलर बहुत पसंद है और मैंने बड़े वाले भी इसी कलर में ऑर्डर किए हुए हैं. सो ये था मेरा आज का मीशो किचन फाइंड्स, दैट टू इन बजट ओनली. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा. मैंने कोई भी सामान ऐसे ही रैंडम पिक करके नहीं लिया है वीडियो बनाने के लिए. सारा सामान जो है वो बहुत ही यूजफुल है. आपने खुद ही देखा होगा कि किचन में मैंने सब कुछ लगा दिया है, मैं ऑलरेडी यूज कर रही हूँ. इसीलिए ये प्रोडक्ट रिव्यू जो है वो बिल्कुल ऑनेस्ट है, इसमें कुछ भी फेक नहीं है. कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जो कि क्वालिटी उसकी अच्छी ना हो और मैं जबरदस्ती उसको अच्छा बताने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा नहीं है. बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है. एंड कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा. अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं बनाऊंगी. और मीशो से मैं खुद भी सरप्राइज हुई हूँ, क्योंकि मैं मीशो को बिल्कुल लीस्ट समझती थी. कितने सालों से मैंने मीशो से कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मैंने पहले एक दो आइटम लिए थे और उनका मुझको इतना बैड एक्सपीरियंस रहा है. और उसके बाद फिर मैंने मीशो को मैं टच भी नहीं करती थी, ना ही मैंने उसकी एप्लीकेशन डाली हुई थी. बट मीशो ने इस बार मुझे सरप्राइज किया है. और कपड़ों के लिए, फुटवेयर के लिए, मेकअप के लिए मैं अभी भी मीशो पे ट्रस्ट नहीं करती, मारेंगे मुझे मीशो वाले. बट किचन का सामान एंड ऑर्गेनाइजर्स एंड स्टोरेज के लिए और होम डेकोर के लिए मैं बोलूंगी कि मीशो काफी अच्छा है. तो यू कैन गो फॉर दैट. आप ये सेक्शंस जो हैं ये इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पर एंड. बोल बोल के मैं भी थक गई हूँ, इसलिए मैं किचन के काउंटर पे ही आके बैठ गई हूँ. सो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ही एंड. नेक्स्ट वीडियो, अभी मैंने और जो सामान बहुत ज्यादा मैंने शॉपिंग की हुई है, अमेजोन से लिया हुआ है, मिंत्रा से लिया हुआ है, फ्लिपकार्ट से भी एक दो सामान लिए हैं, तो उनके भी प्रोडक्ट रिव्यू मैं डालने वाली हूँ. दिवाली के दौरान एक्चुअली मैंने बहुत सारा सामान लिया था, बहुत सारा सामान ऐसा था जो कि दिवाली रिलेटेड भी था, बट क्योंकि तान्या आ गई थी तो मैं इतना ज्यादा बिजी हो गई थी तो मैं कुछ बना ही नहीं पाई. सो कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक बने रहिए मेरे साथ. वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा. और आप अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत यूजफुल वीडियोस भी लाती हूँ. सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक बने रहिए मेरे साथ. कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग. बाय फॉर नाउ.
और इसमें मैंने अपना डिशवॉशर रखा हुआ है, डिशवॉशर नहीं डिशवॉश, यस फेक नहीं है, कुछ भी इनमें गड़बड़ नहीं है। अच्छा, और आपने देखा ही है मैंने सारे सामान जो है अपनी अपनी जगह पर है, जिसमें जो सामान होना चाहिए। क्या बोल रही हूँ मैं। सो ये था मेरा आज का वीडियो किचन होम फाइंड्स के ऊपर, किचन होम एंड बेल आइकॉन को अगर इस तरह के प्रोडक्ट रिव्यूज और मतलब कर दीजिए ना, क्या है। और वीडियो में आपने देख ही लिया